सदियों से भारतवर्ष में कुछ चीजें बिल्कुल नहीं बदली, जैसे कि हमारे किसान, वो हमारे अन्नदाता रहे हैं और रहेंगे। हाँ, अगर कुछ बदला है तो वो है हमारा खेती की तरफ का नजरिया और खेती करने के तौर तरीके। सैकड़ों सालों से शिकारी और घुमंतु प्रजाति बने रहने के बाद मनुष्य को जब खेती के तरीके आए तो उसने बंजारन जैसी जिंदगी छोड़कर एक जगह बस के खेती करना शुरू किया। कई लंबे समय के अनुभवों ने उसे खेती के बारीकियों का ज्ञान दिया। उसे ऋतु चक्र और मौसम का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे मिट्टी की ताकत और उसके स्वभाव का भी अंदाजा आने लगा। किस मौसम के लिए कौन सी फसल और किस मिट्टी में कैसी पैदावार होगी, वो ये भी जानने लगा। और धीरे धीरे उसकी नई जाति से उसे अनुकूल परिणाम भी मिले। इसके सारे तरीके प्राकृतिक थे। खेत जोतने के लिए बैलों और लकड़े के हल का इस्तेमाल ही होता था। उस समय मिट्टी बहुत स्वस्थ और मुलायम थी, इसलिए हल के द्वारा खेत जोतना बहुत आसान था। खाद के तौर पर गोबर और गौमूत्र का उपयोग होता था। कहीं कहीं पिछली फसल के बचे अवशेषों को भी खाद के तौर पर उपयोग लेते थे और मिट्टी में केचुए भी डाले जाते थे, जो किसानों के लिए बेहतरीन किस्म के खाद पैदा कर रहे थे। और यही नहीं, वो खेत की मिट्टी को ऊपर नीचे करके उसकी क्षमता को और बढ़ाता था। पुराने समय में भी फसलों पे कीड़े तो लगते थे, पर उनसे बचने के लिए असरदार कीटनाशकों का प्रयोग भी किया जाता था, जिसे किसान खुद ही अपने घर की सामग्री से तैयार कर लेते थे। पंचगव्य इसी तरह का एक असरदार कीटनाशक था, जो गौमूत्र, गाय के दूध से बने घी, गोबर और ऐसे ही अन्य सामग्री के उचित मिश्रण से तैयार किया जाता था। इस सब के परिणाम स्वरूप जो उपज पैदा होती थी वो बहुत ही स्वस्थ गर होती थी। उसमें किसी भी तरह की हानिकारक रासायनिक का अंश मात्र भी नहीं मिलता था। ऐसी फसल से प्राप्त अन्न खाने वालों के स्वास्थ्य में भी वृद्धि करता था। इसलिए पहले लोग मेहनती हुआ करते थे और आजकल की बीमारियां जैसे हृदय रोग, कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कम ही लोगों में पाए जाते थे। साथ ही साथ पर्यावरण भी एकदम खुशहाल ही रहता था। तरह तरह के पक्षी खेतों में आसपास घोंसला बनाकर रहते थे। पक्षी खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खाकर फसलों की रखवाली करते थे। कुल मिला के ये व्यवस्था सब के लिए लाभकारी थी। ये समस्या अब आम होती जा रही है। आजकल हमारे देश में छोटी उम्र में ही अजीब अजीब बीमारियां खेल लेती हैं। क्या आप इसका कारण जानते हैं? इसका कारण ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। कुछ दशक पहले तक ये ज्यादा पैदावार वाली रासायनिक खेती ने सब बिगाड़ना शुरू कर दिया है और उसकी पैदावार ने आज हमारे गिरते स्वास्थ्य और हमारी जमीन को बंजर बना दिया है। The Royal Commission on Agriculture at that time suggested that we don't have to teach anything to the Indian farmers. They are so well conversant, they are so rich, they are so particular about their agricultural production that we don't have to teach anything else except giving them the infrastructure support, financial support and adding to the infrastructure support in the agriculture. साठ के दशक आते आते भारत ने खुद को हरित क्रांति के लिए तैयार कर दिया था। बड़े पैमाने पे खेती करने के लिए और पैदावार की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार कमर कस चुकी थी। किसानों को ऊंचे गुणवत्ता के बीज, रासायनिक कीटनाशक भी उपलब्ध कराए गए थे, जिससे पैदावार इतनी बढ़ाई जा सके कि भारत खाद्यान्न के मामले में खुद पर पूरी तरह आत्मनिर्भर हो। और कुछ ही वर्षों में भारत के किसानों ने भारत को वो गौरव दिलवा भी दिया।
खेत में डाले जा रहे रासायनिक कीटनाशकों ने फायदे से ज्यादा नुकसान किए और खेत में रह रहे केचुओं का भी विनाश कर दिया। और ये यही नहीं रुका है, इसने खेत में काम कर रहे किसानों और अन्य लोगों की सेहत भी बिगाड़ रखी है। पहले हरित क्रांति के समय कीटनाशक 30 दिन के अंतराल पे छिड़का जा रहा था, फिर 20 दिन हुए, कुछ समय बाद 15 दिन और अब तो 10 दिन हो गए हैं। इससे ना सिर्फ किसान के सेहत पर ही असर हुआ, पर अब वो कर्ज के जकड़ में भी आता जा रहा है। और अब तो देश में किसान की आत्महत्याओं के भी किस्से बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसी क्या स्थितियां बन गई कि आज किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? तो उसके पीछे सबसे मुख्य कारण वो ये है कि उनकी खेती महंगी हो गई है कई तरीकों से। उसमें सबसे ज़्यादा अभी किसान किसी से परेशान है, किस वजह से परेशान है, तो वो रसायनों द्वारा परेशान है। यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड, ये सब चीज़ों का उपयोग एक तो बहुत महंगा हो गया और दूसरा ये हो रहा कि इन सबको उपयोग करने से किसान की ज़मीनें वो कठोर हो रही है। यूरिया की मात्रा एक बार से दूसरी बार ज़्यादा, तीसरी बार ज़्यादा, चौथी बार ज़्यादा, इसकी उसकी मात्रा बढ़ रही है। पेस्टिसाइड है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जहरीले लाने पड़ते हैं जो बाज़ार के अंदर, उसकी कीमत हर बार उसको ज़्यादा देनी पड़ती है और उनके ज़मीन के अंदर कठोरपन आ जाता है, शुष्कपन आ जाता है, क्योंकि यूरिया है वो एक तरीके से ज़मीन को सुखाने का काम करता है। तो उससे पानी की मांग किसानों की बढ़ गई है। जो खेती 3 या 4 पानी देने से हो जाती थी, वो भी 7, 8, 10 पानी तक जाने लग गई है और उसके बाद भी उत्पादन होने की कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा एक वजह ये भी है कि जो उनके द्वारा फसलें होती है, यूरिया पेस्टिसाइड से जो भी फसलें होती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमज़ोर होती है। जो हमारी देसी बीज, देसी पद्धति से, जैविक पद्धति से जो भी फसलें होती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और ये हमने व्यक्तिगत रूप से कई जगह पे महसूस किया है। हमारे जो किसान हैं उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि जो देसी बीज होगा या देसी पद्धति से खेती होगी उसमें दूसरे रोग कम लगते हैं और रासायनिक द्वारा जो भी खेती की जाएगी उसको रोग तुरंत पकड़ लेता, तो उनके खेती में नुकसान का प्रमाण भी खूब ज़्यादा बढ़ गया है। ये किसानों के लिए समस्या है। ज़मीन के लिए ये समस्या हो गई कि ज़मीन कठोर हो रही है, सूखी हो रही है, उसके अंदर जो आद्रा की मात्रता है, उसके अंदर जो पौष्टिकता की, ज़मीन के पौष्टिकता की मात्रता है, वो यूरिया के द्वारा दिनों दिन कमज़ोर हो रही है। उसको बढ़ाने के लिए खूब ज़्यादा जहरीले पदार्थ अंदर डाल दिए जाते हैं। अंत में जाके ये स्थिति होती है कि ज़मीन सहन करने की स्थिति में नहीं होती है और उसकी पानी की मांग खूब ज़्यादा रहती है। तो पानी भी किसान के कम हो रहा है, गहराई से पानी लेना पड़ रहा है, ज़मीन में पानी ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसलिए उसका ईंधन का बिल बढ़ जाता है। पेस्टिसाइड महंगे हो रहे हैं और बीज महंगे हो रहे हैं, यूरिया DAP महंगा हो रहा है, सब वजह से आज खेती किसान के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। ये जहरीली खेती से मुक्ति होना अब बहुत अनिवार्य हो गया है। खुशी की बात तो ये है कि अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है। कोई है जो इस दिशा में कई वर्षों से प्रयास कर रहा है जिससे किसानों को उनकी तकलीफों से मुक्ति दिलाई जा सके, पैदावार की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, उसे जानलेवा जहर की गिरफ्त से आज़ाद कराया जा सके, जिससे हमारे देशवासियों को एक बार फिर शुद्ध और पोषक भोजन मिल सके। आइए देखते हैं ऐसे कौन हैं वो विजनरी लोग और कौन से कदम उठा रहे हैं। ये है श्रवण सिंह राव। काफ़ी लंबे समय से किसानों की समस्या को समझने और निदान ढूंढने में लगे हुए थे। इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया है जिसका नाम गव्यधार ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि ना सिर्फ देश के किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं पर देशवासियों के लिए भी कार्यरत हैं। जहां हमारे देश में आज मिलावटी और रासायनिक खान पान की चीज़ें मिल रही हैं, वहीं इस विष को ख़त्म करने की राह में ये ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है और ये इसे किसी कमर्शियल बेनिफिट के लिए नहीं पर एक मिशन की तरह कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं खुद इनकी जुबानी। हमारे आने वाली पीढ़ी को हम सुदृढ़ कैसे बनाएं, उसके अंदर अगर वर्तमान स्थिति देखी जाए तो कई विश्लेषण और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनके अंदर जो स्वास्थ्य और जो उनका बुद्धिशाली और अन्य जो उनके विकास होने चाहिए उसके अंदर दिनों दिन कमी आ रही है। उसका मुख्य
कारण ये है कि उनके बाल्यकाल के अंदर ही उनको जहर युक्त भोजन दिया जाता है। और अगर बचपन में हम एकदम कोमल अंग होते हैं, इन सब के लिए अगर हम देखा जाए तो गाय का दूध उनके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद उनको भोजन में क्या चाहिए, तो उसके अंदर जैविक आहार ही उनके जीवन को एकदम सुदृढ़, मनशाले, बुद्धिशाले, शक्तिशाली बनाने के लिए जैविक आहार ही एकमात्र उपाय है। अभी हमारे द्वारा क्या हो रहा है कि हम पेस्टिसाइड और रसायन के युक्त पूरा भोजन उनको देते हैं, वो उनके कोमल अंगों को खूब ज़्यादा नुकसान करते हैं। और उसका परिणाम ये हो रहा होता है कि उनका पूरा जीवन एक तरीके से पूरा विकसित ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जहाँ उनको पौष्टिक मिलनी चाहिए, पौष्टिकता मिलनी चाहिए जिन चीज़ों से, उनकी जगह उनको उससे खराब असर होने वाले तत्वों द्वारा हम पोषित करते हैं, जिससे उनका पूरा जीवन कष्ट में, रोग में और पूर्ण रूप से युवा तो होना ही मुश्किल हो गया है, और बहुत जल्दी उनकी आयु भी एक तरीके बुढ़ापे की तरफ जाने लगती। इन सभी से बचने के लिए हमारा एक ये छोटा सा प्रयास है जो हम धीरे धीरे पूरे भारत भर में सभी को, केवल हम ही नहीं लेकिन और भी सब लोग, हमारे किसान, हमारे व्यापारी, हमारे सभी राष्ट्रवादी, पर्यावरणवादी, सभी इसमें लग के धीमे धीमे हमारे राष्ट्र को जहर मुक्त और रसायन मुक्त करें, ये हमारे लिए आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है। गव्यधार के कोई भी पैदावार जैसे कि गेहूं, चावल, दालें या अन्य सब्जियां सब रसायन मुक्त होती हैं। इनमें रसायन का अंश मात्र भी नहीं होता। और इसकी शुरुआत होती है गाय के गोबर को इकट्ठा करने से। पास की गौशाला से पहले गोबर को इकट्ठा किया जाता है और गोबर को गव्यधार के ही एक प्लांट में सीमेंट के इन क्यारियों में डाला जाता है और फिर इनमें केचुओं को डाला जाता है। ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद इनको कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे इनमें पानी छिड़का जाता है। कुछ समय बाद इसे इन क्यारियों से निकाल के बाहर धूप में रखा जाता है। फिर इन्हें इस मशीन पे डालकर फिल्टर किया जाता है, जिसमें खाद के छोटे छोटे टुकड़े अलग होके जमा होते हैं और वही मशीन से निकले इन छोटे छोटे कणों को फिर मिट्टी में मिलाकर इनमें पंचगव्य का छिड़काव होता है। फिर इनके मिश्रण को कुछ समय बाद थैलियों में भरकर पैकेजिंग करने के लिए भेजा जाता है और उसके बाद इन्हें मार्केट में किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। अब ये वर्मी कंपोजिट के मिश्रण को किसानों तक भेजा जाता है, जिसे किसान नियमित अंतराल पे अपने खेतों में छिड़कता है। ये पूरी प्रक्रिया रसायन मुक्त है। अब जो किसान से होने वाली पैदावार है वो भी रसायन मुक्त ही होगी। कुछ समय बाद ये पैदावार को यहाँ से गव्यधार की प्रोडक्शन यूनिट पे भेजा जाएगा। आइए देखते हैं कैसे हमारा खाद्यान्न पहुँचता है हम तक। सबसे पहले उपज गव्यधार के प्लांट पे लाई जाती है, जहाँ इनका लेबोरेटरी में परीक्षण होता है। ये पेस्टिसाइड रेसिड्यू डिटेक्शन लैब है और हम ऑर्गेनिक जो भी प्रोड्यूस खरीदते हैं फार्मर से, वो अपेडा सर्टिफाइड फार्मर से ही प्रोड्यूस खरीदते हैं। कोई भी प्रोड्यूस हम खरीदने से पहले उनके सैंपल ले लेते हैं। सैंपल लेने के बाद इस लैबोरेटरी में उसका टेस्ट किया जाता है और जो सैंपल पेस्टिसाइड रेसिड्यू फ्री सैंपल होते हैं उन्हीं फार्मर से हम प्रोक्योरमेंट करते हैं। एक बार हमें ये पता चल जाता है कि इन फार्मर के सैंपल पेस्टिसाइड रेसिड्यू फ्री है, उन सैंपल को उस फार्मर से हम प्रोड्यूस परचेस करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम इश्यू करते हैं और जो हम सैंपल यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं पेस्टिसाइड रेसिड्यू जो टेस्ट करते हैं, वो जो गैस क्रोमेटोग्राफी और HPLC जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हम इसको टेस्ट करते हैं। और परीक्षण में ओके सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये आगे प्रोडक्शन और पैकेजिंग टीम के पास जाता है। गेहूं और दालों की सफाई होने के बाद इन्हें पैकेजिंग टीम के पास भेज दिया जाता है। वहीं ताजी लाई हुई सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, जहां से फिर इन्हें गव्यधार के रिटेल स्टोर्स में भेजा जाता है।
और अब गेहूं की सफाई होने के बाद लोगों तक गव्याधार का रसायन मुक्त आटा पहुंचे, इसके लिए फिर इसे ग्राइंडिंग मशीन में डालकर पीसा जाता है। दूसरी ओर साफ की गई दालों को पैकेट्स में भर के सीलिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जहां इन पैकेट्स को एयर टाइट सील किया जाता है। पूरी तरह से सीलिंग होने के बाद अब इन पैकेट्स को स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास भेजा जाता है और फिर यहां से गव्याधार के रिटेल स्टोर्स में भेजा जाता है। Did you know? Organic food is produced using renewable resources for the conservation of soil and water and to boost the environmental quality. ये स्टोर में जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, सारे किचन के लिए जो भी नेसेसरी प्रोडक्ट्स है वो सारे इधर अवेलेबल है और सारे ऑर्गेनिक वे में ग्रो किए हुए हैं, जो कि केमिकल फ्री है और जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो मैं मेरी फैमिली के लिए यही प्रेफर करती हूँ। सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि ऑर्गेनिक पदार्थ महंगे होते हैं। वस्तुतः ऐसा नहीं है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक, प्रथम दृष्टया देखने जाते हैं तो जिस प्रकार से गो अर्थ के प्रोडक्ट देखेंगे, 10% से लेके 25% तक सामान्य दरों से ऊंची दर है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक तो ऑर्गेनिक का जो प्रोडक्शन है देश में अभी बहुत कम है। दूसरा, इसकी प्रोसेसिंग केमिकल फ्री करने से इसमें जो वेस्टेज का परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है। तीसरा, अभी ऑर्गेनिक को हमें एपेडा के लाइसेंस में सर्टिफिकेशन के प्रोसेस से जाना पड़ता है, जिसकी एक बहुत बड़ी कीमत है। इन सब कारणों से थोड़े से हमारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक रेंज में महंगे हैं, लेकिन अगर हम इफेक्टिवली बात करें तो ये प्रोडक्ट सस्ते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके परिवार के मेडिकल बिल को कम करते हैं। लॉन्ग रन में आपके परिवार को, आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को एनरिच रखते हैं। किसी भी प्रकार के फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, टॉक्सिक इफेक्ट्स जो हैं इसको ये कम करते हैं। रिजल्टेंट ये होता है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आपका स्वास्थ्य बढ़ता है, आपका आयुष्य बढ़ता है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़े से दाम ज़्यादा देके भी अगर हमें इतनी सारी गुणवत्ता युक्त करेक्टरिस्टिक्स मिलती है तो इफेक्टिवली ये बहुत कम दाम है। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड: प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर एजिंग, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, बूस्ट इम्यून सिस्टम, प्रमोट्स एनिमल वेलफेयर, एंश्योर्स सेफ एंड हेल्थी वर्ल्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन, reduces presence of pesticides, tastes better than non-organic food, prevents cancer. गव्याधार द्वारा जो किसान समूह ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किए गए हैं उनसे भारत के अन्य भागों में एपिडा द्वारा सर्टिफाइड जो ICS हैं, किसान समूह हैं, उनसे ऑर्गेनिक सेक्टर में जो कंपनियां कार्य कर रही है, जो एक्सपोर्ट लेवल के प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनसे अपने सारे प्रोडक्ट को प्रोक्योर करती है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों से हम अपनी पूरी रेंज के प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करते हैं। Did you know? Organic crops are less likely to be buggy because the soil is nourished by natural methods. The crops are better equipped to resist disease and insects. Marketing के लिए हम लोग एक मिशन के साथ आए हैं। हमारा लक्ष्य है भारत राष्ट्र में जो भी व्यक्ति ऑर्गेनिक खाद्यान्न, स्वास्थ्यप्रद खाद्यान्न खाना चाहता है उन तक हम कैसे पहुंचे। अहमदाबाद को केंद्र बना के हमने सर्वप्रथम अगस्त 2015 में हमारे सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसके लिए हमने हमारी कंपनी के आउटलेट लाए ताकि हम लोगों के सामने, समाज के सामने हमारे प्रोडक्ट रख सकें। उस यात्रा के प्रारंभ से लेके आज तक हम गुजरात में हमारे
60 से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स हैं। महाराष्ट्र में हमारे 40 रिटेल स्टोर हैं और हमारी मार्केटिंग में हम जयपुर, दिल्ली, कर्नाटक, बेंगलोर सहित देश के विभिन्न भागों में अपने प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में भी अच्छा रेस्पॉन्स हमने मिलने शुरू हो गया है। डिड यू नो द एक्स्ट्रा डोज एंटीबायोटिक्स वीकेंस आवर इम्यून सिस्टम मेकिंग इट अनएबल टू डिफेंड इटसेल्फ। ऑर्गेनिक फूड डज नॉट कंटेन एंटीबायोटिक्स। हमारा लक्ष्य है हम पूरे भारतवर्ष में पूरी प्रामाणिकता के साथ जिस प्रकार परिवार उसकी किचन की आवश्यकता की छोटी से छोटी चीज़ की जो आवश्यकता रहती है उस पूरी रेंज को हम अपने इस गो अर्थ ब्रांड में लेके आए हैं। फूड इज फ्यूल। सक्सेसफुल वेट लॉस इज नॉट अबाउट स्टार्विंग, इट्स अबाउट फ्यूलिंग योर बॉडी विद हेल्दी फूड। मुझे विश्वास है कि आप जब इन पदार्थों का उपयोग करेंगे, इन फूड का उपयोग करेंगे, तो हम जो अपने लोगों के साथ बात कहते हैं, फूड इज नॉट फॉर फूड, फूड इज फॉर हेल्थ, ये आपके स्वास्थ्य को गुणवत्ता प्रदान करेगा, आरोग्य प्रदान करेगा, ऐसा विश्वास। देश के नागरिक शुद्ध, सात्विक और समृद्ध भोजन पाके देश को आगे बढ़ा सके, इसी हेतु से गो अर्थ कार्य कर रहा है। आई स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट फ्यूचर बिलोंग्स टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग ओनली। हम पूरा विश्वास सभी को दिलाना चाहते हैं कि इसमें हम कहीं भी किसी भी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और जो हमारा समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, गौ के प्रति, किसान के प्रति, पर्यावरण के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है उसको हम पूरा करेंगे। वी आर ऑन आवर वे टू बिकम ऑर्गेनिक। आर यू?